हेलो नमस्ते, मैं तानिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिहार की तानिया ब्लॉग में। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और मेरा ये वीडियो देखने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं जा रही हूँ कटहल की सब्जी बनाने, तो उसी की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि हमारे बिहार स्टाइल में कटहल की सब्जी कैसी बनाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइज, हमने कटहल को अच्छी तरह से काट भी लिया था और धोकर उबाल भी लिया है। और मैंने ज़्यादा नहीं, एक सीटी सिर्फ लगाई थी, क्योंकि ज़्यादा उबाल देने पे कटहल बहुत मतलब गीला हो जाता है। तो मैं एक सीटी लगा कर उसको उबाली हुई थी। इसको इसके बाद मैं कटहल को ऑयल डालकर तलूँगी और तलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो गया है और इसमें मैं डालूँगी कटहल। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिया है, ये है प्याज और लहसुन, और ये है इसका बैटर तैयार कर लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज सब पीस लिया है मिक्सर में। इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2 स्पून, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, तो यहाँ मेरा ऑयल गरम हो गया है और इसमें मैं डालूँगी कटहल। कटहल को तल भी रही हूँ, देखिए। कटहल को जितना अच्छा तलो ना उतने टेस्टी सब्जी बनती है। तो ये कटहल भून गया है, मैंने कटहल को अच्छे से तल लिया है, पूरा ऑयल में छान दिया है, ये देखिए। इसको अच्छी तरह से निकाल लूंगी। तो मैंने यहाँ पे कटहल को ऑयल में छान लिया हुआ है और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई गर्म नहीं हुआ है, होने वाला है। अब इसमें डालेंगे ऑयल और दिखाते हैं कैसे मैं तड़का लगाकर बनाती हूँ। डालूंगी ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि कटहल की सब्जी है तो मसाला वसाला भी भुनना है, तो ऑयल ज़्यादा रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। ये गया मेरा तेज पत्ता, दालचीनी। स्टार मसाला, जीरा। अब यहाँ पर डालेंगे, लाल हो गया है जीरा, तो आप डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भून कर लाल कर लेंगे। तो हमारा प्याज भून चुका है और अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो पीस कर रखा हुआ था, सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर, टमाटर ज़्यादा नहीं था मेरे पास तो इसीलिए इसको नहीं पीसी।
हल्का हल्का चिपकने लगा। लाल मिर्च पाउडर, में नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा नमक ज़्यादा, क्योंकि मसालेदार सब्जी में ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मसाला भून कर ऑयल छोड़ने लगा है, देखिए ऑयल छोड़ रहा है, हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। तो मसाला भून गया है और ऑयल छोड़ दिया है और कढ़ाई भी मसाला छोड़ दिए। तो हम यहाँ पर डालेंगे पानी, पानी अपने अनुसार डाल लीजिए, जैसा सब्जी चाहिए वैसा पानी डाल लेंगे। तो हमको खाना है रसदार सब्जी बनाना है, इसलिए हम बना रहे हैं, तो सब पानी ज़्यादा ऐड कर दिए हैं। देखिए अब इसको पकने देते हैं, ढक देते हैं 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी कटहर की सब्जी रेडी हो गई है, देखिए कटहर की सब्जी रेडी हो गई है। तो गाइज हमारी कटहल की सब्जी रेडी हो गई है और हमारा ये रही कटहल की सब्जी, ये चावल और ये रोटी। तो आप लोग भी खा लीजिए और बहुत टेस्टी बना है गाइज। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो गुड नाइट।